यस बेटे, तुहानू मात भाषा लेख अच्छी तरह समझ लग गया है। तुहाडी कविता कंप्लीट हो गई है। अपनी फेयर नोटबुक ते कविता दे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हन। ग्रामर पार्ट विच मात भाषा लेख दे पॉइंट्स लिखने ने विद कोटेशंस, बहुत सारिया कोटेशंस ने। कल दी क्लास च वी आपां डिस्कस कीतियां सी, घर घर मियाँ सबना जियाँ बोली अवर तुम्हारी, ये भी लिखनी है। एहो जई मनोहर मिठी होर कोई बोली नहीं डिठी, जे बोली नूं भुल जावांगे अखां वांगू रुल जावांगे। ठीक है, ये वारिस की बोली है, ये बुले शाह की बोली है, ये गुरुआ की बोली है, गुरुआ ने भी इस बोली नूं अपनाया। इस करके सानूं मात भाषा ते माण करना चाहिए। साड़ी मात भाषा ही साड़ा सिमरन है, साड़ा माण है, साड़ी ताकत है। ये सारिया तुसी कोटेशन लिखनिया हैं ते पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, उस तो बाद हुण आपां गल करिए अज ग्रामर का टॉपिक जिहड़ा करना है। ध्यान नाल देखो, विस्मिक ते उस दीआं किस्मां ऑलरेडी तुसी 8th क्लास विच ये अच्छी तरह किया होया। सब बच्चों नूं पता 8th क्लास से टॉपिक किया सी बच्चे? कौन दसेगा विस्मिक किस नूं कहिंदे हन? रेज योर हैंड्स। कोई एग्जाम्पल दे के, कोई एग्जाम्पल दे के बेटे। यस बेटे बोलो बच्चे। भवनेश कोई एग्जाम्पल दो विस्मिक वाक की। विस्मिक किनू कहते हैं? भवनेश अनम्यूट योर सैल्फ बेटे। गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, लीजा। यस बेटे कोई एक सेंटेंस बोलो, एक दो सेंटेंस जित तो पता चले कि विस्मिक किनू कहते हैं, फिर अपना टॉपिक अच्छी तरह कर दें। तुसी फिर क्लास रिस्पोंस नहीं देंगे। मैं कल भी तुहानू बेटे गाइड किया सी कि क्लास पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है 9th ऑनवर्ड। ये तुहाडा इंटरनल असैसमेंट का ही पार्ट है। हरमीत बोलो बच्चे, विस्मिक वाक का कोई एक वाक बोलो, विस्मिक किनू कहते हैं? हरमीत, यस बेटे। भवनेश यस बेटे बोलो, विस्मिक वाक का कोई एग्जाम्पल? धैर्य है, यस बेटे। रियांश, हाँ जी बेटे बोलो रियांश। बोलो बच्चे सेंटेंस, विस्मिक कितों पता चलेगा कि विस्मिक वाक है? रियांश बोलो बेटे, रियांशिका के रियांश 41 रोल नंबर। मैम कैन आई स्पीक? यस बोलो बच्चे, वेरी गुड। शाबाश तुसी मैच जीत गए। शाबाश तुसी मैच जीत गए, वेरी गुड। शाबाश तो बाद की आएगा बेटे, विस्मिक चिन्ह। यस, विस्मिक चिन्ह तो बिना विस्मिक वाक नहीं बनता। विस्मिक चिन्ह पहना जरूरी है। बाकी बच्चों ने कोई क्लास रिस्पोंस नहीं ना दिता बैठे, तुहाडे मल्टीपल असैसमेंट दे मार्क्स नहीं लगनगे। पुष्टि बेटे कल दी क्लास तुसी एबसेंट सी ते अज तुहाडी लेट एंट्री है। पुष्टि चलो अज आपां स्टार्ट करिए। विस्मिक इहनू कहिंदे ने विस्मिक चिन्ह, एक्सलामेटरी साइन इंग्लिश दे विच बोलदे आ एक्सलामेटरी साइन। ये की हुंदे ने? खुशी गमी हैरानी दे भाव प्रगट करते हैं, उन्होंने विस्मिक कहते हैं। पर कदों कहते हैं? जो आप विस्मिक चिन्ह लगाते हैं। पहला आप दो तीन उदाहरण लिख के ये समझते हैं। तुसी सारे बच्चे नोट करो अपनी नोटबुक से, पहला एग्जाम्पल्स लिखोगे फिर तुसी विस्मिक टेबल बना के समझोगे। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, शाबाश तुसी मैच जीत गए।
नोट करो बेटे, फिर अपन डेफिनेशन लिखांगे, पहला एग्जाम्पल लिखनी है अपनी फिर नोटबुक पे भी। शाबाश नू विस्मिक चिन्ह दे नाल अंडरलाइन करना है। जे तुसी विस्मिक चिन्ह नू अंडरलाइन नहीं ना करदे तां विस्मिक चुने दे भी कोई नंबर नहीं मिलने। ठीक है बेटे, शाबाश किस भाव नू प्रगट कर रहे हैं, ये कौन दसेगा किहड़े भाव नू प्रगट कर रहे हैं शाबाश? यस बेटे, रेज योर हैंड, किहड़े भाव नू प्रगट कर रहे हैं, किहड़ियां फीलिंग्स नू शेयर कर रहे हैं? हाँ जी रियांश, यस बेटे, केड़ियां फीलिंग्स नू? 41 रोल नंबर, यस बच्चे बोलो, केड़े भाव नू प्रगट किया रियांश? यस बच्चे बोलो, दिव्या मैम खुशी दे, खुशी नू प्रशंसा दे भाव, इत्थे प्रशंसा दे भाव है, खुशी दे नहीं, खुशी भी है, शाबाश का मतलब है प्रशंसा कीती है ओदी, शाबाश वाह वाह बल्ले बल्ले, खुशी भी आ सकदा है प्रशंसा भी, ये एक्चुअली इक्को ही किस्म है, कई बार इहनू दो किस्मां च कंसीडर कर लैंदे आ, खुशी वाचक विस्मिक जां प्रशंसा वाचक, वैसे इहदा टाइटल की हुंदा प्रशंसा वाचक विस्मिक, ये हुण प्रशंसा कर दित्ती, शाबाश तुसीं मैच जित गए। नेक्स्ट एक सेंटेंस लिख दिया, नेक्स्ट देखो, काश मैं पढ़िया लिखिया हुंदा, हुण ये केड़े भाव है, बोलो बच्चे ये केड़े भाव है? यस बच्चे केड़े भाव प्रगट किते हैं? करणवीर, करणवीर इच्छावाचक, इच्छा दे भाव प्रगट किते हैं? काश मैं पढ़िया लिखिया हुंदा, काश मैं सियाना हुंदा, काश मैं समझदार हुंदा, काश मैं ईमानदार हुंदा, काश मैं नेता हुंदा, काश मैं प्रिंसिपल हुंदा। ठीक है, ये इच्छा है, मन की इच्छा। हुण तुसी इहदी डेफिनेशन लिखो, जे तुहानूं इन्ना पता लग गया कि मन दे भावां नूं प्रगट करन दे लई जिहड़े शब्द वरते जांदे ने ते जिन्हां चिन्हां राहीं ये भाव प्रगट हुंदे ने उहनां नूं विस्मिक आखदे हन। नोट करो, हुण विस्मिक किसनूं आखदे हन? ओ शब्द, एग्जाम्पल समझ लग गई आ, उस तो टाइटल दिओ विस्मिक दी डेफिनेशन। ओ शब्द जो मन दे भाव खुशी गमी हैरानी, ब्रैकेट विच लिखो, खुशी गमी हैरानी दे भाव प्रगट करन, भाव प्रगट करन, जां किसे नू बुलाउन लई, बुलाउन लई संबोधन करन लई जिहड़े शब्द वरते जान, किसे नू बुलाउन लई जिहड़े शब्द वरते जान उहनां नू विस्मिक आखदे हन। जिन्हां राहीं ये भाव प्रगट हुंदे ने उहनां नू विस्मिक चिन्ह आखदे हन। आ चिन्ह है बेटे, इहनू विस्मिक चिन्ह कहिंदे ने, साइन। कोई मैनू ये क्वेश्चन दस सकदा कि विस्मिक चिन्ह, विस्मिक जिहड़े ने चिन्ह ओह किसी किस्म ने, विस्मिक चिन्ह किसकी किस्म हन? ये भी तुसीं ऑलरेडी 8th विच ये टॉपिक किया होया, किसकी किस्म ने, जिवें समासिक चिन्ह है, जोड़नी चिन्ह है, जिवें पुठे कौमे हन, सीधे कौमे हन, डंडी है, प्रेषणिक चिन्ह है, ये किसकी किस्म हन? ऑलरेडी तुसीं ये 8th विच टॉपिक पढ़िया, कौन बोलेगा ये किसकी किस्म ने? 13 किस्मां तुसीं कीतियां सी, ओह किसदियां किस्मां सन? जिहदे विच डंडी पूर्ण विश्राम भी आंदा है, अर्ध विश्राम भी आंदा है, कौमा जिहदे विच विस्मिक चिन्ह भी आंदा है, जिहदे विच जोड़नी चिन्ह भी आंदा। हाँ जी करणवीर, यस बेटे विश्राम चिन्ह, यस ये विस्मिक चिन्ह किसकी किस्म है? विश्राम चिन्ह की किस्म है, ये तुहानूं पता होना चाहिए। वन मार्क क्वेश्चन नोट कर लो, विस्मिक चिन्ह विश्राम चिन्ह की एक इंपॉर्टेंट किस्म है, जिहड़ी आपां जो भी कोई सेंटेंस लिखते हैं ये शब्दावली यूज होंगे। जिहड़ियां 6 किस्म ने ना विश्राम चिन्ह दियां, वो बहुत यूज होंगे। एक तो डंडी यूज होंगी है जो वाक कंप्लीट करते हैं, एक प्रेषणिक चिन्ह यूज होंगे जो किसी वाक प्रेषणिक रूप है,
ठीक है, एक कॉमा यूज होंदा है, एक पुठे कॉमे जदों किसी दी कई गल नूं इन बिन लिखना होवे, एक समासी शब्द बनाउण लई जोड़नी चिन्ह, अजिहियां जिहड़ियां किस्मां ने बार बार यूज होंदियां जदों आपां कोई भी राइटिंग स्किल लिखदे हां। ठीक है, समझ आ गई। और विस्मिक चिन्ह है, यह सब तो इंपॉर्टेंट किस्म है। क्लीयर है, हुण आपां करिए इन्हां दीआं किस्मां टेबल बना के। इत्थों तक सब ने लिख लिया बेटे, सब बच्चों ने नोट कर लिया, विस्मिक चिन्ह किसनों आखते हैं, विस्मिक किसनों आखते हैं। यस, मैं एक बार फिर समझा दा, वो शब्द जिहड़े मन की खुशी गमी हैरानी के भाव प्रगट करन जां किसी नूं बुलाउण लई वरते जान, उन्हां नूं विस्मिक आखते हैं। इन्हां भावां नूं व्यक्त करन लई प्रगट करन लई जिहड़े चिन्ह लगते हैं उन्हां नूं विस्मिक चिन्ह आखते हैं। फिर तुसीं एग्जाम्पल देनियां हन। ठीक है, हुण आपां गल करिए वख किस्मां दी। हुण तुसीं अपनी नोटबुक ते अगले पेज ते टेबल बनाओ। नेक्स्ट पेज ते टेबल बनाओ। फर्स्ट पेज ते तुसीं एग्जाम्पल लिखिया, विस्मिक दी डेफिनेशन लिखी, हुण लिखो विस्मिक दीआं किस्मां। पहली लाइन च लिखो, पहले कॉलम च लिखो किस्मां, इत्थे लिखने हन किस्मां दे नाम, इत्थे लिखनी हन भाव। भाव का मतलब हुंदा केड़े भावां नूं व्यक्त कर रहा, मीनस डेफिनेशन। इत्थे लिखो उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, इत्थे आ गया किस्मां, इस साइड लिख रहे हां किस्मां, इत्थे आ गया भाव, इधर की है एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, हुण आपां फर्स्ट लिखिए किस्मां किन्नी प्रकार दीआं ने, नौ प्रकार दीआं ने। इह तां वन मार्क क्वेश्चन, पहले नोट कर लो, विस्मिक नौ किस्मां दे हुंदे हन। कई बारी दस किस्मां बन गईआं ने, कई कई बुक्स विच तुहानूं पता चलणगीआं उह दस किस्मां तां बना दित्तीआं कि प्रशंसा ते खुशी नूं अलग कर दित्तां, पर इक्को किस्म च इह कंसिडर हो जांदे ने प्रशंसा ते खुशी, प्रशंसा विच मन दी खुशी। ठीक है, हुण आपां सब तो पहला गल करिए, सब तो नंबर वन संबोधनी विस्मिक, सब तो पहला ही लिख लो संबोधनी विस्मिक, जां संबोधन वाचक विस्मिक लिख सकते हो जां संबोधनी विस्मिक। हुण संबोधनी का की मतलब हुंदा है, दसो कौन बोलेगा? यस बेटे, क्लास रिस्पॉन्स दिओ। देखो अज कितनी अटेंडेंस कम है ना बेटे, 28 स्टूडेंट ओनली प्रेजेंट है, और इंक्लूडिंग मी, ये तो गलत गल होगी ना बेटे। अज सब बच्चों की, जेडे बच्चे अज क्लास अटेंड नहीं ना किए, अज सब दे पेरेंट्स नूं फोन करने कि बच्चे क्यों क्लास अटेंड क्यों नहीं करते। चलो दिव्या बोलो बेटे। यस बेटे, संबोधनी विस्मिक किसनों कहांगे? दिव्या मैम, जो किसी चीज को संबोधन कर दे हो। संबोधन का मतलब, यस संबोधन मीन्स किसी नूं बुलाउण लई जिहड़े शब्द वरते जांदे हन उन्हां नूं संबोधनी विस्मिक आखदे हन। जिहड़े शब्द किसी नूं बुलाउण लई वरते जांदे हन उन्हां नूं संबोधनी विस्मिक आखदे हन। ओह विस्मिक, सिर्फ एक वर्ड याद कर लो, जां जिहड़े विस्मिक किसी नूं, जिहड़े किसी नूं बुलाउण लई, एक वर्ड याद कर लिया तो सारे ही विस्मिक दीआं जिहड़ियां किस्मां ने वह सारियां ही कंप्लीट हो जानियां। सारियां किस्मां च की लिखना है? वह विस्मिक। ठीक है, हाँ जी करणवीर, कोई डाउट है बेटे? एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? करण, नो मैम, आंसर देना था। ठीक है बच्चे, गुड। हुण इहदी एग्जाम्पल दिओ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਓ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ,
नी बीबा नी कुड़िए इस तरह दियां एग्जाम्पल किदे चाहनिया हन बेटे संबोधनी विस्मय की जो आप किसी नू बुलाउंदे हां इहदे नाल सेंटेंस बुलारो बच्चो ध्यान नाल पढ़ो नौजवानों पिंड दियां सड़कां नू रल के साफ करो ओए मुंडिया तू किधर नू चलिया नी बीबा मेरी गल ध्यान नाल सुन पर अंडरलाइन किनू करोगे वर्ड नू विद विस्मिक चिन्ह ठीक है अंडरलाइन जो कला वर्ड करोगे फिर ओदे नंबर नहीं मिलना है नाल विस्मिक चिन्ह नू अंडरलाइन करना जरूरी है ठीक है बच्चे हुन सेकंड सेकंड वन इज प्रशंसावाचक विस्मिक प्रशंसावाचक विस्मिक ओ विस्मिक सेम लिखो ओ विस्मिक जो खुशी दे जां प्रशंसा दे भाव प्रगट करन सारियां किस्मां ही इस तरह लिखनियां ने ओ विस्मिक जो खुशी जां प्रशंसा दे भाव प्रगट करन उन्हां नूं प्रशंसा वाचक विस्मिक आखदे हन फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखो शाबाश तुसी अपने परिवार का नाम रोशन किया शाबाश तुसी पिंड नूं स्वर्ग बनाया बल्ले बल्ले असी ये खेड जित लई नोट करो शाबाश विस्मिक चिन्ह बल्ले बल्ले विस्मिक चिन्ह नेक्स्ट वाह वाह कितना सोहना दृश्य है अच्छा जे वाह तो बिना भी आ जाए ना कितना सोहना दृश्य है तो लास्ट से विस्मिक चिन्ह आए तो उन्होंने भी केड़ा सेंटेंस कहोगे विस्मिक केड़ा विस्मिक प्रशंसावाचक विस्मिक वाह भी नहीं ना लिखा होया जे कल्ला ही लिखा कितना सोहना दृश्य एंड ते विस्मिक चिन्ह पाया तो इस सेंटेंस की तुसी किस्म दसो की है केड़ा विस्मिक है इहदे विच प्रशंसावाचक विस्मिक ठीक है आहा आहा क्या नजारा है आहा किन्ना सोहना नजारा है आहा असी पास हो गए ठीक है क्लियर है बेटे नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज शोक वाचक विस्मिक शौक नहीं लिखना शोक वाचक शोकवाचक विस्मिक की डेफिनेशन बनाओ पहली लाइन सेम रहनी है बेटे ओ विस्मिक जो दुख दे भाव प्रगट करन जेड़े विस्मिक दुख दे भाव प्रगट करन हुन सेम लिख के दुख दे भाव लिखना दुख दे भाव प्रगट करन फॉर एग्जाम्पल हाई अफसोस उफ ठीक उफ कितनी गर्मी है अफसोस मैं समय से नहीं पहुंच सकिया हाय आ की बन गया ठीक है बेटे इनू कहती है शोकवाचक विस्मिक नेक्स्ट वन इज नंबर फोर लिखो सतिकार वाचक विस्मिक हुन नेम तो ही पता लग जांदा कि किहड़े भाव प्रगट करने नेम तो ही पता चलदा बच्चे नेम तो की पता चलदा ओ विस्मिक जड़े सतिकार दे भाव प्रगट करन सतिकार दे भाव प्रगट करन ये पेपर विच 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे ध्यान नाल समझ के करो सतिकार दे भाव विच केड़े शब्द लवांगे कौन दसेगा सतिकार दे भाव विच केड़े शब्द लवांगे रिशम बोलो बेटे हां जी जिया वेरी गुड जिया बोलो बेटे सतिकार दे भाव विच मैम जिया यानु वेरी गुड और बच्चे जी आया नु होर बोलो बेटे जो साडे घर आंदा आपां की कहने आओ जी ठीक है आइए जी धन भाग जी आया नु नोट करो आओ जी
विस्मिक चिन्ह आइए जी, विस्मिक चिन्ह जी आया नू, विस्मिक चिन्ह धन भाग तुसी साडे घर आए, धन भाग तुसी साडे घर आए, वेरी गुड जिया। नेक्स्ट करिए, ऐ फोर किस्मा क्लियर हो गया बटे सब नू। नेक्स्ट वन इज, हुण सतिकार दा ओपोजिट की होएगा, अगली किस्म। हर एक किस्म दा ना एक अच्छा पॉइंट है, एक नेगेटिव है। जिवें प्रशंसा है उस तो बाद दुख दे भाव है, इसी तरह सतिकार है तो उस तो बाद की है, फिटकार वाचक विस्मेक। सतिकार दा ओपोजिट की हुंदा बेटे, फिटकार। किसी नू दुत्कार ना, ओपोजिट वर्ड कर दियो, सतिकार ना, दुत्कार ना, दुर्कार ना। ठीक है बच्चे, हुण आपां पहला की कीता सतिकार वाचक विस्मेक। नंबर फाइव फिटकार वाचक विस्मेक। जो टाइटल है उदे अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ओ विस्मेक जेडे फिटकार जां जां लानत दे भाव प्रगट करन, लानत दे भाव प्रगट करन। यदि अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दियो, एग्जाम्पल दियो बेटे, कौन देगा? फिटकार जां लानत दे भाव प्रगट करने हैं तो केड़ी एग्जाम्पल होएगी? बोलो बच्चे, केड़ी एग्जाम्पल होगी? रेज योर हैंड्स। रेशम, यस बेटे, केड़ी एग्जाम्पल दियोगे? ब्रिजेश, फिटकार वाचक विस्मिक लिए केड़ी एग्जाम्पल दोगे बेटे? तुसी बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर दे, आज प्रतीक्षा भी एबसेंट है। सारे बच्चे चेक कर लेने हैं कि केड़े बच्चे आज एबसेंट है, आज काफी बच्चे एबसेंट है ना। चलो बच्चे बोलो, फिटकार वाचक विस्मिक केड़ी एग्जाम्पल देवांगे? धैर्य है, धैर्य है बेटे, बोलो कोई एक एग्जाम्पल दियो बच्चे, फिटकार वाचक विस्मिक लिखो। लख लानत, जो तो कोई माड़ा काम कर देना उन्हें कहते ने आ तू की काम किता, बी शर्म, बी या फिटे मुंह, ठीक है, दफा हो जा, गुस्से विच आके कह देना दफा हो जा। विस्मिक चिन्ह, दफा हो जा, विस्मिक चिन्ह। एदे नाल तुसी लख लाना, तू की काम किता, बेशरम, तू फेल हो गया, बेहया, तेनू शर्म ना आई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज असीस वाचक विस्मिक। असीस वाचक, असीस तो समझ आ जाती है, ओ विस्मिक जेड़े आशीर्वाद दे भाव प्रगट करन, आशीर्वाद दे भाव। कोई चंगा काम करता है, जां किसी ने चंगा काम किया है, जां ओदा असीस देनी है। वड्डियां तो आपां कहने आं आपां नूं ब्लैसिंग्स लैनियां चाहीदियां ने, वड्डे किवें ब्लैसिंग्स दिंदे ने, उहनां नूं विस्मिक चिन्ह राहीं आपां किवें प्रगट करदे हां, कौन दसेगा? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ? ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? ਯੈਸ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ, ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਸ ਨੰਬਰ ਸੈਵਨ, ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਲਿਖੋ। ਨੰਬਰ ਸੈਵਨ ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ।
इच्छा वाचक विस्मिक, वो विस्मिक जो इच्छा दे भाव प्रगट करन। इच्छा दे भाव सेम लाइन वर्ड सेम लिखना है, पहला वर्ड याद कर लो, वो विस्मिक जो इच्छा दे भाव प्रगट करन, उन्हां नूं इच्छा वाचक विस्मिक आखते हैं। इच्छा दे भाव फॉर एग्जाम्पल काश, मैं पढ़िया लिखा था हे दतार मेरे ओगन बख्श लै, हे परमात्मा मेरे ओगन ना चितार, हे वाहेगुरु मेरी मदद कर, हे वाहेगुरु। नेक्स्ट वन इज हैरानी वाचक विस्मिक, टाइटल तो जिवें पता है हैरानी दे भाव प्रगट करने, ओ विस्मिक जड़े हैरानी दे भाव प्रगट करन। हैरानी दे भाव किवें प्रगट हुंदे आ बेटे, हैरानी दे भाव किवें प्रगट करने आ, जिवें हैं हैं ऐ की हो गया, हैं तू फेल हो गया, हला वाह जी वाह, वाह जी वाह तू तो कमाल ही कर देता, ठीक है। वाह जी वाह प्रशंसा च भी आंदा है, वाह जी वाह हैरानी च भी आंदा है, पर सेंटेंस दे अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट वन इज सूचनावाचक विस्मिक, लास्ट सूचनावाचक विस्मिक, ओ विस्मिक जड़े सुचेत करन दे, सूचित करन दे भाव प्रगट करन, सूचना वाचक विस्मिक आखते हैं। फॉर एग्जाम्पल खबरदार, खबरदार जे तू उथों गया, सावधान अगे खतरा है, अगे बिजली का खंबा है, ठहर जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्लियर है बेटे, अजे जड़े शब्द ने साडे मन दे भावां नूं प्रगट करदे ने उन्हां नूं विस्मिक आखदे हन, ठीक है बच्चे। इहदे नाल तुसीं एग्जाम्पल लिखनियां हन, इहनूं कंप्लीट करना, फिर नोटबुक ते टेबल भी बनाना, इहदे नाल 2-2, 3-3 एग्जाम्पल सेंटेंस लिखनियां ने, ते मात भाषा लेख जिहड़ा तुसीं प्रीवियस क्लास च कीता उहनूं तुसीं कंप्लीट करना, अच्छी तरह समझना, और अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करके भेजनी है, जिद मोहनधारी कांगी के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हो, कविता मैं पंजाबी के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, लेख के मेन पॉइंट्स विद कैप्शन और विस्मिक का क्वेश्चन कंप्लीट करके तुसी नोटबुक टाइमली सेंड करनी है। क्लियर है बेटे, समझ आ गई? मैम जो पिछली क्लास में मैं लेख लिखवाया उसकी सिर्फ हेडिंग लिखवाई, तो वही फेयर में लिखनी क्योंकि पूरा लेख बना के लिखना है? नहीं बच्चे, हेडिंग ही लिखनी है नाल कोटेशंस लिखनी है, ठीक है। ओके, और लेख नु समझना है, रीडिंग करनी है, क्योंकि जड़े लेख ने, जड़े लेख ने राइटिंग स्किल है किसी भी फॉर्म च होए, वो तुहाडी वोकैबुलरी ते डिपेंड करदा कि तुहाडे कोल किन्नी वोकैबुलरी है। जब तक तुसी रीडिंग नहीं करोगे तां तुसी राइटिंग स्किल प्रॉपर वे नाल नहीं लिख पाओगे। राइटिंग स्किल दे मेन फीचर यही होंदे ने, शब्दां दी बनतर सही होवे, जिहड़ा टाइटल दिता है उहदे नाल रिलेटेड तुसी सारे पॉइंट्स समझने, पहला अपने माइंड फ्रेम करने ने, उन्हां नूं एक्सप्लेन करना, शब्दां दी तरतीब, वाकां दी तरतीब, एक वाक दूजे नाल किवें लड़ी जोड़नी है, शब्द शुद्धि होनी जरूरी है, ठीक है बच्चे। ये सब तुसी अपनी फेयर नोटबुक से कंप्लीट करना है। थैंक यू।